नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे राज्य के गया जिले में किस तरीके से आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय रेलवे को आधुनिक तरीके से तैयार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार इस पर काम किया जा रहा है। अब इसकी शुरुआत बिहार राज्य में भी शुरू हो चुकी है। बिहार राज्य के गया जिले में इसकी शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि गया के रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। अब गया का यह रेलवे स्टेशन यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा प्रदान करेगा। ट्विटर द्वारा रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि किस तरह से गया के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि रेलवे स्टेशन द्वारा प्रस्तावित डिजाइन पर एक नज़र विश्व स्तरीय प्रतिष्ठान के रूप में पुनर्विकसित किया जाना है। रीडेवलपमेंट के पश्चात गया का रेलवे स्टेशन भव्य नजर आएगा। आपको बता दें कि यात्रियों के आने जाने, भीड़ भाड़ से बचने, लिफ्ट, खान पान, वॉशरूम, पीने का पानी, इंटरनेट और एटीएम जैसे सुविधाओं पर अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी। आगे आपको बताते चले कि ऐसी सुविधा होने से स्टेशन पर अधिक भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार हर प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधाएँ दी जाएंगी। ऐसे में यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आसानी से जा सकेंगे। विशेषतः वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना मुश्किल नहीं होगा। साथ ही साथ स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट भी होगा। बताते चले कि स्टेशन के आसपास पर्यटकों के लिए पर्यटक सुविधाओं का भी विकास किया जाना है। ऐसे में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। आपको बता दें कि यह शहर धार्मिक और पर्यटन दोनों ही दृष्टिकोण से लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गया रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए जो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा और इसके जगह पर ग्रीन बिल्डिंग के आधार पर स्ट्रक्चर को बनाया जाएगा। इसके पुनर्विकास के लिए मापने का काम भी पूरा हो चुका है। यहाँ एयर फ्लो और वेंटिलेशन की भी अच्छी सुविधा दी जाएगी। गया जंक्शन के पुनर्विकास की योजना वर्ष 2065 तक यात्रियों की संख्या और उनकी जरूरतों के आधार पर ही देखकर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसके पार्किंग एरिया का निर्माण मल्टी स्टोरी पार्किंग के आधार पर या अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। पार्किंग की अच्छी सुविधा हो जाने से अभी जितने पार्किंग एरिया उपलब्ध है उसमें 4.9 गुना अधिक पार्किंग एरिया उपलब्ध होंगे और अभी के स्टेशन भवन के मुकाबले 2.35 गुना अधिक जगह मौजूद होंगे। इसके अलावा हम अन्य सुविधाओं की चर्चा करें तो दिव्यांगों के लिए दिव्यांग अनुकूल सुविधा, टिकटिंग की अच्छी सुविधा, ग्रीन ऊर्जा के लिए स्टेशन बिल्डिंग पर सोलर पैनल का प्रावधान, वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ रेन रिसाइकलिंग के प्लांट, अग्निशामक सुविधा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि की खास व्यवस्था की जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।